साल पहले प्रधान से मैंने जमीन ली, जमीन ली तो उस पर मैंने मकान बनावे की कोशिश की, तो फिर उसके परिवार के उनने मतलब नहीं बना दिया मुझे मकान। हमारा सो हमारे पति बोले कि चलो यहाँ फिर बेइज्जती करते हैं, चलो जाकर मौठ में रहने। तो दो साल हमको रेत रेत मौठ में हो गई, और फिर मौठ से आए, मैं बैठी थी और बैठी थी सो वो गाली देते आया, सो मैंने कही गाली कौन आया गाली दे साहेब, उसी का परिवार का। हमने कहा ले ला, हमने कि तेरे घर में का बैन मानिया, सो बने उसने मुँह में लाठी दी और मैं भीतर भग गई। फिर वहाँ अपने लड़का रणधीर को पहुँचाया साहेब ने, और वो भीतर गया, सो मैं ऐसे खड़े थे पीछे से, सुबह सुबह ने मुझे कपड़े कपड़े फारे, सो मैं चीखी चिल्लानी और पटक लिया, और हमारे साथ मतलब अंदर घुस के रणधीर ने मतलब रेप किया। सुबह सुबह हमारे बार पकड़ के बाहर खचोर के, और वहाँ पे सब लोग खड़े थे उसी के परिवार के हते, वहाँ पे और गांव को कोई नहीं था, बस उसी के परिवार के हते। सुबह और मारपीट कराने लगे, क्योंकि इसको मारपीट करेंगे तो जो हौसला मतलब जो जो होगा सबको देखने में कि जी तुम मार रहे थे, मतलब मेरे लड़के ने बलात्कार नहीं किया इसके साथ। मेरे साथ कोई नहीं आया और मैं अकेली अकेली खेतन खेतन भटकत फिरी। प्रधान हो गई तो प्रधान के पास गई तो बेइज्जती की, थाने में कुछ नहीं हुआ, बस बोले हाँ होगी कार्रवाई, वो 1000 रुपये लेते बस। किसने लिए थे वो? वो महिला पुलिस ने, तेरी कार्रवाई करूँगी तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है खर्च के लिए। मैंने पहले थाने रिपोर्ट की थी तो वो तैसे नहीं भा मोर थाने से, फिर मैंने वो तो चलाई नहीं, फिर मैंने आके झांसी कोर्ट से उठाया, पुलिस झांसी से आई और मोर थाने से सिका पड़ा दिया, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, बस पूछ जांच करके भाग गई ना, उन्हें मतलब पकड़ा जकड़ी। वो मतलब मेरा केस चल रहा है कम से कम 1.5 साल से, मेरी कोई सुनाई नहीं, और मैं मेरे साथ ना कोई थाने का ना कचहरी में, तो अकेली भटकत फिर रहे 1.5 साल होगा लड़त लड़त। हम तो ये चाहते हैं उनको सजा होने चाहिए ऐसे विरोधियों को, तो जब भी आज हम पे किया कल दूसरी बहन बिटिया पे करेंगे